और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां के जांजगीर चांपा जिले के गांव में बोरवेल में 80 फीट नीचे फंसे 11 साल के बच्चे राहुल साहू को 60 घंटे के बाद भी नहीं निकाला जा सका। उसे रोबोट से निकालने के प्रयास भी विफल हो गए। एनडीआरएफ व अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम उसे निकालने के प्रयासों में जुटी हुई है। अब 10 फीट की सुरंग खोदी जा रही है। बीच में चट्टान आने से मुश्किलें भी सामने आ रही हैं। जांजगीर के पिरहित गांव में शुक्रवार को राहुल खेलते खेलते सूखे बोरवेल में जा गिरा था, जिसके बाद शाम 4 बजे से ही उसे निकालने के लिए प्रयास जारी है। रविवार सुबह 10 बजे बोरवेल में रोबोट उतारा गया, लेकिन वो भी बच्चे को निकालने में विफल रहा। साथ ही बोरवेल के पास में शनिवार शाम तक 50 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा खोद लिया गया, ताकि फंसे बच्चे को निकाला जा सके। इतनी गहराई के बाद नीचे चट्टान आने से पत्थर काट कर सुरंग बनाई जा रही है। इसमें भी वक्त लग सकता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बच्चे को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम बघेल ने राहुल के माता पिता और उसकी दादी से बात की और कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम उसे निकालने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात से आई रोबोटिक्स की टीम के विफल होने पर सीएम बघेल के निर्देश के बाद कटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश से बचाव टीमों को बुलाया गया है। हालांकि चिकित्सकों की भी टीम को मौके पर बुला लिया गया है, जो बोरवेल के भीतर ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। बचाव दल उसकी जान बचाने की भरसक कोशिश में है। वहीं जानकारों का इस मामले में कहना है कि अभी कुछ घंटे और लगेंगे, जिसके बाद ही सुरंग से राहुल तक वो पहुंच सकेंगे। वहीं बच्चे के पिता लालाराम साहू ने बताया कि ये बोरवेल करीब 80 फीट गहरा है। उन्होंने अपने घर के पीछे बने खेत में खुदवाया था, हालांकि पानी नहीं निकलने पर उसे खुला छोड़ दिया था। Thank you.